हमारी तनख्वाह लेंगे, नीड बेस वर्कर्स की जी क्या डिमांड है आज आपके? पीसी शर्मा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉई यूनियन जम्मू। आज हमने धरना रखा है डेवलपमेंट कमीशन पावर के दफ्तर में। धरने का मुख्य कारण यह है कि ये जो जितने भी लोग यहाँ आज धरने पे बैठे हैं, ये सारे के सारे लाइनमैन हैं और ये नीड बेस्ड वर्कर्स हैं। सरकार ने जब पॉलिसी अनाउंस की कि 60,000 आदमी को हम पक्का करेंगे, साथ साथ ये कहा कि इनकी वेजेस भी हम जल्दी देंगे। आज उस पॉलिसी को अनाउंस हुए तकरीबन 8 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक ना इनकी कोई वेजेस दी और ना पक्के होने का प्रोसेस स्टार्ट किया। फिलहाल पिछले जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई उसी वक्त हमने इस पॉलिसी को कंडेम किया कि इस पॉलिसी में कोई भी प्रावधान नहीं है, ना इनको पक्का होने की बात है, सिर्फ मात्र अनाउंसमेंट के इन बेजिस 3 कैटेगरी में इनको इनकी अनाउंसमेंट की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज ये लोग बार बार ये गुहार कर रहे हैं सरकार के सामने, सरकार के सामने ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी 5-5, 7-7 साल की जो बेजिस हैं वो जल्दी बागदार की जाए, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधे हुए है। हम इस मंच से सरकार से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इन लोगों की जो बतौर लाइनमैन काम करते हैं, पहाड़ों में काम करते हैं, इरेक्शन का लाइन का और स्टेशन बनाने का काम करते हैं, इन लोगों की बेजी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। अगर इनकी बेजी रिलीज नहीं हुई तो ये अपने हर स्टेशन पर धरना मुजहरा और डिमांस्ट्रेशन करेंगे और ये काम का जो है वो सरकार का वो सफर होगा जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद।